सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों 2019 बैच के सभी प्रशिक्षु इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, दो दिन से मुझे लगातार यही कमेंट आ रहे हैं, यही मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या हम लोग प्रमोट नहीं होंगे। यही चीज मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाला हूं कि 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं वह प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग का कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा कि आप लोग प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। और दोस्तों लगातार मुझे ये भी कमेंट आ रहा है कि हमारे कॉलेज में बता दिया गया कि हम लोग प्रमोट नहीं होंगे 2019 बैच वाले और हम लोग का एग्जाम होगा। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं और कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बता दिया गया है कि हम लोग प्रमोट होंगे। अब दोस्तों यहीं पे आपको समझना है कि जो भी जानकारी आप लोग से कोई कुछ बता रहा है वह आप लोगों को मौखिक बताया जा रहा है, आप लोग को कुछ लिखित तो बताया नहीं जा रहा है साक्ष्य के साथ कि हाँ ये देखिए ये नोटिस है, ये प्रस्ताव है, इसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको कि प्रमोट आप लोग होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोग दोस्तों जानिए कि जो भी कार्यवाही होती है, जो भी सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है वह लिखित में भेजा जाता है। आपको कोई भी सूचना अगर दी जा रही है वह लिखित जो लिखा हुआ है उसके आधार पर दी जा रही है, तब वह सूचना आप लोग सही मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे ही मुंह से बता दे रहा है, मौखिक रूप से बता दे रहा है कि हाँ आप लोग प्रमोट होंगे, आप लोग प्रमोट नहीं होंगे, तो इस पे आपको विश्वास नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं आप लोग प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। देखिए 3 तारीख को पीएनपी पे धरना हुआ था, आप सभी को पता है, और उस धरने में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह लोग पीएनपी सचिव से मिले थे और जो पीएनपी के द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है लिखित रूप में वह उन्होंने देखा था, पढ़ा था। अब उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव ने आपको बताया है कि 2018 और 2019 बैच दोनों को ही प्रमोट करने का प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा सरकार को भेजा गया है। आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो जब हम लोगों ने 3 तारीख को धरना दिया, हम लोग बोले कि जब तक हम लोग सचिव जी से मिलेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से धरना समाप्त नहीं करने वाले। सचिव जी से मिलवाया, वहाँ जा कर के पूरा हमें डिटेल दिखाया गया कि कितने तारीख को भेजा गया। मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि उसमें क्या लिखा था, आप लोग शेयर करते रहिए क्योंकि रोज़ रोज़ लाइव आना सही नहीं है। आज मैं क्लियर कर देता हूँ सारी आपकी बातों को। उस पत्र में लिखा था पीएनपी ने 22 जुलाई को SCERT को प्रमोट का प्रस्ताव भेज दिया। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ 18 बैच और हमारे जो अनुज भाई बहन हैं 19 बैच, उन दोनों के लिए है। 22 जुलाई को SCERT को भेज दिया गया, उसके बाद 30 जुलाई को SCERT ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया, ठीक है। उसके बाद शासन ने 14 अगस्त को PNP से सभी प्रशिक्षुओं का डाटा मांगा कि कितने आपके बच्चे हैं, होता है ना क्वेरी के रूप में कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने को प्रमोट करना है। इस संबंध में शासन ने PNP से डाटा मांगा तो PNP ने 17 अगस्त को डाटा बना करके भेज दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस पत्र में जो लिखा था हम लोगों ने उसको नोट किया हुआ है, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। और जब शासन को भेज दिया 17 तारीख को तो वही पत्र हमें दिखाया गया, तो हम लोगों ने सचिव जी से पूछा कि सर हम अब आप ये बताएं कि कब तक हम लोगों की सूचना मिलेगी प्रमोट की। तो उन्होंने क्लियर बोला कि 1 हफ्ते में हर हाल में आ जाना चाहिए, 10 तारीख तक आप लोग इंतज़ार करें, 10 तारीख को आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। हम लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर 10 तारीख को सूचना नहीं मिलती है प्रमोट होने की, 11 तारीख को फिर हम लोग धरना करने के लिए बाध्य होंगे और ये धरना इससे भी बड़े स्तर पे किया जाएगा। सचिव जी का पूरा मन है कि प्रमोट ही किया जाए, क्योंकि उसमें जो पत्र था उसमें स्पष्ट लिखा था कि 19 बैच के का प्रथम सेमेस्टर और 18 बैच का थर्ड सेमेस्टर को कक्षानु मतलब कि प्रमोट की बात कही गई है और ये जो प्रस्ताव है इस समय मंत्री जी के पास है, मंत्री जी से वार्ता भी जारी है इस संबंध में, उनसे मतलब कि दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप हमें प्रमोट करें, हमारे भविष्य का सवाल है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम लोग का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि आपके ही रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बताया गया है कि वो जब पीएनपी सचिव से मिले और उन्होंने जो लिखित साक्ष्य देखा उसमें 2018 और 2019 बैच दोनों को ही प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को। अभी कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों कि आप लोग प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये चीज जरूर है कि केवल प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा गया है कि हाँ 2018 और 2019 बैच को प्रमोट किया जाए। यह पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, और नहीं मानती है तो आप लोगों को संघर्ष करके किसी तरह प्रमोट करवा के अपना समय आप लोगों को बचाना है, नहीं तो आप लोग का प्रशिक्षण बहुत पीछे चला जाएगा। यह बात आप लोग समझ लीजिए। तो अब जहां तक उम्मीद है दोस्तों दोनों बैच प्रमोट हो जाएगा, अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों में नहीं होना चाहिए। और दो तीन दिन की बात है दोस्तों, पूरा जो मामला है वह क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने एंड से संघर्ष करेंगे। 10 तारीख की डेट दी गई है कि 10 तारीख तक सरकार के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा कि आप लोग प्रमोट होने वाले हैं या नहीं। तो 10 तारीख का वेट कर लीजिए, और ज्यादा किसी के मौखिक रूप से बताए गए न्यूज में दोस्तों आप लोग मत फंसिए, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे हम लोगों ने आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब कुछ हमने पढ़ा दिया है दोस्तों, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करा दिया है। आपके पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, हैंड रिटन माध्यम से हमने क्लासेस ले ली हैं, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत पर्याप्त हमने चैनल पे वीडियोस बना दी हैं, क्लासेस ले ली हैं हमने, और हम लगातार क्लासेस लाते ही रहते हैं, डेली हम लोग चैनल पे क्लासेस लाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों कल हम लोग लाइव भी आए थे, मैं और रेनू मैम, वहां पे हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की थी, आप लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। तो लाइव वीडियो जो हम लोग का पहला लाइव है जिसमें आप लोग हम लोगों को देख भी सकते हैं, शिक्षक दिवस पे हम लोग लाइव आए थे, उस वीडियो को भी जाकर आप देखें। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सभी जो क्लासेस हैं सभी सेमेस्टर्स की उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग, जिससे सभी कंफ्यूजन जो है वह प्रशिक्षुओं का दूर हो जाए। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट्स ऐसे ही आपको मिलते रहें। एकदम क्लियर बातें हम आपको बताते हैं दोस्तों, मौखिक रूप से हम कुछ आपको बरगलाने की या भटकाने की कोशिश नहीं करते हैं, एकदम साफ जानकारी आपको मेरे द्वारा दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लासेस भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग क्लासेस आपकी लेते हैं, तो क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा, लाइव वीडियो देख लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।